अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है फिर हम जा रहे हैं अपनी एक नई रेसिपी की तरफ, जो है थाई रेड करी और चिकन सैलेड है इसके साथ। तो चलो मैं सब्जी काट दूँ। मैं इन दोनों के बीच में कहाँ फंस गई। बेहद फरमाइश पर जो है सब्जी काट दी जाती, कोई बात नहीं है। चलो तेल गरम होने है, फिर तेल गरम हो जाए उसके बाद आप चिकन हल्का से फ्राई करेंगे। जी सब्जियाँ आप कौन सी सब्जियां ले रहे हैं? मैं इन्हीं के लिए सब्जियां काट रहा हूँ पहले। अच्छा, अभी सैलेड मैं तो चिकन सैलेड बनाऊंगा उसके लिए। इतना नीच तेल उड़ा आपने पहले से, डरा दिया मुझे। अच्छा, ये बोनलेस चिकन नहीं है ना? नहीं नहीं, ठीक है। गुलजार साहब जो इसी चिकन के लिए कैप्सिकम काट रहे हैं शिमला मिर्च, बिल्कुल, और इसको स्लाइस में काट रहा हूँ मैं, पतले स्लाइस, बिल्कुल पतले स्लाइस। अच्छी चिकन ना बिल्कुल समझना, नहीं समझ आई। पहला चिकन ना फ्राई करना, फ्राई करना, ब्राउन करना, और चिकन ना समय बिल्कुल खत्म होगा, स्मेल खत्म हो जाए। हाँ मैं समझ गई, स्मेल खत्म हो जाए, ब्राउन अच्छी तरह से करें चिकन पहले, स्मेल खत्म हो जाए, फिर बाद में दूसरी आगे चलेंगे। आगे चलेंगे।
उसकी खुशबू। अच्छा गुजर एक बात तो बताएं, ये जो जैसा श्रिम्प पेस्ट आता है बनावा फिश सॉस, तो इसके कितने साल, मतलब कितने महीने, एक साल दो साल, कितनी देर तक आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं? एक्सपायरी जो डेट इस पे लिखी भी होती है वैसे उसके बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखें जो चीज़ जिस वक्त तक के लिए बनाई गई है, एक्सपायरी डेट डाली गई, कंपनी ने डाली है, तो जाहिर बात है उसमें कोई ना कोई वजह होगी। एक्चुअल एक्सपायरी डेट का दो मकसद होते हैं, एक तो टेस्ट खराब होना और दूसरा जो है उसके अंदर जो है उसका टाइम लिमिट जो ओवर हो जाना, उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो अपना टाइम यानी कि छोड़ चुके होते हैं। बल्कि ऐसे खानों के लिए ना जी आई थिंक कंपनीज को चाहिए सैशेज बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल कि आप थोड़ा सा लें, हाँ, इस्तेमाल करें और फेंक दें सैशे, बिल्कुल खाली हो गया इस तरह। और जो लोग ज्यादा खाते हैं ऐसे खाने वो बॉटल्स में ले लें, टिन्स में ले लें। अच्छा आपने कुछ और तो नहीं डाला? रेड करी पेस्ट के बाद अब डाल रही हैं आप टोमेटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट दो चम्मच। अच्छा टमाटो प्योरे और टमाटो पेस्ट में जरा डिफरेंट है। अच्छा टमाटो प्योरे जो है वो बहुत लाइट फॉर्म होता है टमाटर का, फिश सॉस डाल रहे हैं, फिश सॉस इसी में बात कर रही थी, मेरे पास जो है ना वो एक्सपायर। अच्छा अच्छा पूरी बॉटल थी, इतना ज़्यादा क्यों था, खाना पकता नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी, अब समझ गए ना इस्तेमाल करूँगी ना करूँ मैं, वजह क्या। थोड़ा ये कुछ फिर डाल दी और कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क सही कोकोनट मिल्क, टमाटो पेस्ट गया, उसके बाद आपने क्या डाला था? ये क्या डाला था आपने? फिश सॉस, फिश सॉस, हाँ। और फिर आपने कोकोनट मिल्क डाला, थोड़ा सा नमक डाला, इनकी इनकी नमक है ना फिश सॉस में, नमक थोड़ा सा नमक। और ये आपकी सब्जी कट चुकी है। ओह कितनी खूबसूरत, देखा मुर्गी तो बहुत जल्दी गल जाती है ना, तो उसके लिए थोड़ा ही पानी काला। ठीक है अच्छा ये तो हो गया इनका, अब इनका अब ये हम सैलेड बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए मैंने डिफरेंट वो किया है लाइटली। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इससे सवाल करती रहती हूँ ना कि अपनी भी नॉलेज में, बिल्कुल बिल्कुल के बारे में। वो बेशक इसको आप बहुत चटपटा देखिए, पिसा हुआ बहुत अच्छा होता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये कि मार्केट में जो आजकल पिसा हुआ मिल रहा है वो थोड़ा सा मिलावट कुछ ज़्यादा ही हो रही है इसमें, तो वो टेस्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। ठीक है ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, अब हम करेंगे स्प्रे इस पे ग्रिल पर। ऑयल है इसमें, ऑयल है, ये अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ऑयल है, ताकि इसको इस तरह से स्प्रे करने से ये है कि ज़्यादा ऑयल यूज नहीं होता है इसमें, सिर्फ एक ग्रीस आ जाए और इसको हम और ग्रिल कर रहे हैं। हाँ ग्रिल कर रहे हैं, ये सब जो डाइट पे हो उनके लिए कितनी जबरदस्त चीज है ना, बेहतरीन। सैलेड में चिकन थोड़ा सा ऑयल बस ग्रिल करके कर रहे हैं, ग्रिल पे थोड़ी सी कोटिंग लगाई ऑयल की एंड दैट्स इट, और कोई ऑयल नहीं, कोई ऑयल नहीं, फैंटास्टिक। ग्रिल खाने वैसे भी कहते हैं ना लूज करने वेट, वेट लूज करने। आपने कभी ग्रिल खाना सुना है ना लूज करने वेट, लूज करने वेट? आपको भी कभी शौक है डाइटिंग का? मैं बहुत शौक है डाइटिंग का, मुझे लगता है शौक होता है, जरूरत नहीं होती लोगों को शौक, औरतों को होता है, औरतों में बहुत शौक है, जरूरत नहीं होती, एक पैशन है ना शौक के करना है भी डाइटिंग, हमने भी जी। मैं कितना अच्छा हो कि सब इस शौक को डाइटिंग के बजाय एक्सरसाइज को अपना शौक बना ले तो मजा ही आ जाए। रुबीना जो है इस रेड करी को जो बना रही हैं, इसको आप वैसे तो थाईलैंड में राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया जाता है या फिर नूडल्स के साथ। अच्छा देखें इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन का ज़रूर ख्याल रखें, इसलिए कि अगर आपको डाइट में रहना है, अपनी सेहत को हेल्दी रखना है, तो इन चीज़ों के साथ खाएं। चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसकी कॉम्बिनेशन कितनी खूबसूरत होगी जब हम उसको नूडल्स के साथ सर्व करें, फ्लेवर्स एनहांस हो जाते हैं ना सब। प्लेन नूडल हमने लिया हुआ, ये देखें ये बॉईल किए हुए, आप बॉईल किए हुए, ये भी एग नूडल्स हैं, ये एग नूडल्स हैं, चाइनीज नूडल्स जिसको कहते हैं। अच्छा इसको आप इस तरह से ठीक जो है ले लें, प्लेट पे लगा दिया, राउंड कर लें थोड़ा सा ताकि खूबसूरती और उसकी एक पहाड़ सा बना लें इसका। हां हां सही, जो तरीका होता है उसी तरह से मैं आपको करके बता रहा हूं एग नूडल्स। अच्छा रुबीना काट रही है यहां हरी प्याज, ये गार्निशिंग के लिए कर रही होंगी आप रुबीना, ऊपर से डालेंगे ऊपर से डालेंगे बिल्कुल। ठीक है अच्छा इस तरह से आपने इसको सेट कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका टेस्ट पहले से होता है इसमें, हाँ, नमक वगैरह मौजूद होता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 मिनट गरम गरम पानी में, बॉयल पानी में इसको। अच्छा उसमें आप नमक डालते हैं बॉयल पानी में? अच्छा अब ये जो जगह मैंने छोड़ी हुई है ये अब रुबीना जब करी अपनी तैयार कर लेंगे तो ये इसमें। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल सर्विंग के लिए ना, या आप एक बड़ी प्लेटर पे बनाएं, बड़े प्लेट पे सबके लिए, ये भी वैसे 2-3 लोग आराम से इसको खा सकते हैं,
नहीं आपको कैसे पता, दो तीन लोग आप क्या है ये, हाँ रेशनिंग कर रहे हैं आप यानी कि डाइट पे जो लोग हैं बेचारे वो जो है ऐसे लाइंस कितनी अच्छी इस पे लगी, खूबसूरत सी लाइन आ गई इसकी। आपने सो मैरिनेट किया था काली मिर्च, सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट, सॉल्ट से किया था थोड़ा सा आप देते हैं। अच्छा आपने चूल्हा ऐसा कर दिया, मुर्गी गल रही है ना अभी। अच्छा आपको यहाँ बाहर जाने का शौक है, घूमने फिरने का? हाँ तो बहुत शौक है, शॉपिंग का शौक है, शॉपिंग बहुत है। चलें बस हम दोनों का एक दिन प्लान पक्का, ठीक है? यहाँ से शो खत्म करके हम जाएंगे शॉपिंग, ठीक है ना गुलजार साहब? आप जाइएगा घर। अगर कोई औरत कहे कि मुझे शॉपिंग का शौक नहीं तो फिर तो झूठी है। ठीक है ना, जरूर करें। आप मुझे बताते जाइएगा, मैं बनाती जाऊंगी, लेकिन उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। बात देखिए बिना कैसे किया आपने, आपके शौर ने मेरे से ना पैसे चाहिए आपको, सही कुछ, है ठीक है सिखाने के लिए आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। नहीं मजाक कर रहा था, तो इंशाल्लाह जरूर। और आपका जो है बस वो भी तैयार है, मैं ड्रेसिंग की तरफ जा रहा हूं, ड्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं। लेमन मैंने लिया एक पूरा, ओके
सफाई आज आज जो है ना सफाई के जो है दो नंबर अलग से इनको दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुन लिया है दो नंबर मिल रहे हैं और अवार्ड भी मिल रहा है, अवार्ड भी मिल रहा है, वो सफाई खूब कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है। चलिए जो है जब आप इसको पूरे सैलेड के साथ मिक्स,
अल्लाह हाफ़िज़।